आज राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के कुए खाइम में सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरेश्वर असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के MLC जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब की ज़ेर निगरानी में मैं और हमारे एरिया कारपोरेटर जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब और बल्दी बरकी आबरसानी के तमाम अहदेदार और एरिए के सुकरुम मुकमदीन और ख़ास तौर पे यहाँ के जो कुए खाइम के ज़िम्मेदार है हमारे असद भाई साहब सीनियर, उनके साथ पूरा हम विजिट किए हैं जो कि मुहर्रम के महीने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मुहतरम की जानिब से आशुखाने हो या जहाँ जहाँ जो मुहर्रम के प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर बल्दी वर्गी आबरसानी के जो वर्क्स मजलिस की नुमाइंदगी और सदर मुहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर होते हैं वो कामों के लिए आज तफसीली दौरा किया गया यहाँ पर। और एक चीज़, अगले साल भी हम दौरा करे थे यहाँ पर, कुए खाइम की जो मेन रोड है CC रोड, वो रोड भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मुहतरम की जानिब से डलवाई गई थी। अभी भी कुछ वर्क्स यहाँ पर बताए हैं, इधर बाजू से ऊपर चढ़ने की रोड पे लास्ट ईयर गोल्डी साहब और हमने प्रपोजल दिए थे, मगर एकदम वो इंस्ट्रूमेंट 90 लाख का बनने की वजह से वो काम नहीं हो सका। मगर अब गोल्डी साहब ने ऑफिसरों को बोले हैं कि आधा हिस्सा अपन पहले अप्रूव ले लेंगे, आधा हिस्सा आइंदा लेंगे बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंस्ट्रूमेंट बनेगा। और एक चीज़ शाहबाद फ्लोरिंग के ताल्लुक से भी बताई गई, और कई सालों से तकरीबन 2-3 साल से अंदर जो न्यास खाना जो बनाए वो अनकम्प्लीट है, उसको रिनोवेशन के लिए हमारे MLC साहब ने ऑफिसरों को बोले हैं कि उसकी पूरी प्लास्टिंग इलेक्ट्रिकल का और फ्लोरिंग का और डोरों का और जालियों का इमीडिएटली उसको इंस्ट्रूमेंट बनाना, मुहर्रम फेस्टिवल में हम ZC साहब से नुमाइंदगी करके उसका भी अप्रूव लेंगे बोल के। मैं ये मौके के ऊपर यही बोलना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मुहर्रम के महीने में जिस तरीके से काम करती है बल्दी बरकी आबरसानी के, ये साल भी वैसी सदर मुहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर काम होंगे। और फिर एक बार हम ये कामों का जायज़ा भी लेंगे ये इंस्ट्रूमेंट बनने के बाद, अप्रूवल हुए बाद। और लास्ट ईयर भी आप जानते हैं तकरीबन 85 लाख के वर्क हम सेंक्शन लिए थे मस्जिद खाइम के पास रोड डाले, और वहाँ पर खाइम नगर में 2-3 वर्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर और हमारे MLC जो रियाजुल हसन अफंदी साहब की ज़ेर निगरानी में वो कामों का भी हम तकमील हुए, उसमें से भी एक काम बाकी है। जब रोड डाली गई थी सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर, हमारे MLC साहब और मैं और कारपोरेटर साहब और एरिए के सदर मुतमद्दीन भी आके मायना करे, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आप जानते हैं इतने इशू चल रहे हैं, फिर भी आवाम के दरमियान में रह के आवाम के मसाइल हल करने के लिए बराबर कोशिश कर रही है। और यहाँ पर भी ये कामों की मैं पूरी इतला मैं और हमारे MLC साहब सदर मोहतरम को देंगे, सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर ये काम भी मंजूर होंगे। और एक चीज़ भी यहाँ पर बोलना वादे है कि कुए खाइम के लिए भी अलग से मिनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से हमारे रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC साहब भी कोशिश कर रहे हैं ग्रांटेड अमाउंट के लिए, वो भी इंशाअल्लाह ताला वो भी काम होगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर तरीके से यहाँ पर काम करना चाहिए, और मैं आवाम की ख़ास तौर पर खाइम नगर की आवाम से भी मैं गुजारिश करता हूँ मुहर्रम के महीने में किस चीज़ की भी आपको तकलीफ होंगी हमारे MLC साहब को बोल सकते हैं, एरिए के सदर मुतमदीन को बोल सकते हैं, हमार को बोल सकते हैं, कारपोरेटर साहब को बोल सकते हैं। मैं इस मौके के ऊपर सदर मुहतरम नसीब मिलत अलहाज बैरेश्वर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि गए साल 65 लाख की लागत से सदर मुहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर यहाँ पर काम मंजूर हुए थे, इस साल भी हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाकर सदर मुहतरम के पास मैं और MLC साहब लेके जाएंगे, वो कामों को भी जल्द से जल्द करवाने के लिए हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा।